छत्तीसगढ़ शिवसेना पार्टी के सुप्रीमो प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने अपने अनुशंसा पर जिला बेमेतरा के जिला प्रमुख दाऊ राम चौहान को उनकी कार्यशैली को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव पद पर नियुक्त किया गया। यह शिवसेना पार्टी के द्वारा पहली बार बेमेतरा के जिला प्रमुख को सचिव पद से नवाजा गया है। निश्चय ही दाऊ राम चौहान की पार्टी के प्रति सच्ची समर्पण व कार्यशैली को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के शिवसेना प्रमुख ने भरोसा जताया है। बेमेतरा जिले में शिवसेना की पार्टी को बेमेतरा की राजनीति में तीसरे चौथे नंबर पर लाकर खड़ा करना, वही आम जनता की समस्या के लिए हमेशा खड़े रहकर उनकी समस्याओं का निदान में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने का परिणाम है कि उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के शिवसेना प्रमुख ने प्रदेश सचिव के पद से नवाजा गया है। वही आगे चौहान ने बताया कि जिला बेमेतरा प्रभार के अलावा दो अन्य जिलों कवर्धा व मुंगेली जिला की जिम्मेदारी दी गई है। इस नियुक्ति पर चौहान ने बताया कि जिला बेमेतरा के समस्त शिव सैनिकों द्वारा नगर के पुराना बस स्टैंड सिग्नल चौक में पुष्पहार से स्वागत करते हुए ढेर सारी बधाइयां दी गई। इन्हीं के साथ चौहान ने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार, प्रदेश महासचिव रेशम जांगड़े, कृष्ण यादव, विकास ठाकुर एवं समस्त प्रदेश के पदाधिकारी का आभार व्यक्त किया। दाऊ राम चौहान की प्रदेश सचिव की नियुक्ति के बाद बेमेतरा प्रथम आगमन पर शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा सिग्नल चौक पुराने बस स्टैंड पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। देखिए बेमेतरा से अरुण कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज शिवसेना का क्या कार्यक्रम है? आज हमारी शिवसेना का कार्यक्रम यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को माननीय धनंजय सिंह परिहार जो है कल दिनांक मुझे प्रदेश के प्रदेश सचिव को पद दिया गया है। इस खुशी में हमारे बेमेतरा के जिले के जितने जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बधाई देने हेतु यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके पूर्व में मैं 10 वर्षों से बेमेतरा जिला का नेतृत्व करता था और मेरे नेतृत्व को देख करके माननीय प्रदेश प्रमुख परिहार जी जो हैं मुझे प्रदेश सचिव का पद दिया गया। मैं हमारी पार्टी को से और मैं स्वयं अपने ये हृदय दिल से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी, नारायण महाराज।